मुजफ्फरपुर पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाली गिरोह की दो बहनों को गिरफ्तार किया है। दोनों आपस में चचेरी बहनें हैं। दोनों से नगर थाने में पूछताछ करके मंगलवार को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बताया गया कि गरीबनाथ मंदिर में पूजा करने आई एक बुजुर्ग महिला हेमा देवी के गले से सोने की चेन चोरी करते रंगे हाथों लोगों ने दोनों को पकड़ लिया। हल्की पिटाई के बाद लोगों ने दोनों महिलाओं को पुलिस के हवाले कर दिया। इस गिरोह से जुड़ी अन्य तीन महिलाएं फरार हो गई है। मामला सामने आने के बाद तीन चार और पीड़ित महिला थाना पर पहुंच गई। पुलिस पदाधिकारी को कहने लगी कि इसी महिला द्वारा मेरी भी पर्स और चेन चुराई गई है। हालांकि उन लोगों को जब लिखित आवेदन देने के लिए कहा गया तो वह सभी पीछे हट गई। पुलिस की पूछताछ में धराई दोनों महिलाओं ने अपनी पहचान सकरा थाना के तितलिया इलाके की रहने वाली शीला और रूबी देवी बताई है। दोनों उत्तर प्रदेश के देवरिया की रहने वाली है, वर्तमान में सकरा इलाके में रहती है। इधर नगर थानेदार श्री राम सिंह ने बताया कि इस संबंध में FIR दर्ज किया गया है। FIR में कहा गया कि गले से 8 ग्राम के सोने की चेन छीनी गई। उक्त चेन दूसरी महिला को दिया गया, वह उसे लेकर फरार होने के प्रयास में थी, लेकिन यह दोनों पकड़ी गई। उसकी छानबीन कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि हाल के दिनों में शहरी इलाकों से पर्स और आभूषण की चोरी के कई मामले सामने आ चुके हैं। बताया जाता है कि शातिर महिलाओं और चोरों के द्वारा मंदिर और भीड़भाड़ का फायदा उठाकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। गिरफ्तार महिलाओं ने पुलिस को बताया कि वह दोनों आपस में चचेरी बहनें हैं। मुजफ्फरपुर में रहकर चेन समेत पर्स चोरी कर लेती है। भीड़भाड़ वाले इलाके में महिलाओं के गले से चेन भी झपट लेती है। तीन दिन घटनाओं को अंजाम देती है, फिर देवरिया लौट जाती है। वहाँ से दोबारा आती है। गिरोह में करीब 5 महिलाएं हैं। एक सामान लेती है, दूसरी भीड़ से लेकर आगे निकल जाती है। बाकी अन्य महिला भीड़ के बाहर दूसरी महिलाओं के सामान लेकर फुर हो जाती है, ताकि पकड़े जाने पर कुछ नहीं मिल पाए। हाँ, चैन वो चुरा रही थी मंदिर में पूजा के समय, कल दो पकड़ाई है। चैन भी एक रिकवर हुआ है। इसके गैंग का और दो तीन गो थी, लेकिन वो सब भीड़ का लाभ उठाकर भाग गई। ये लोग सकरा थाना क्षेत्र के हैं। दोनों को हम लोग FIR कर जेल भेज रहे हैं। अंदर जिला है, UPP के रहने की बता इस सबका स्थायी पता कुछ क्लियर नहीं बता रहे। कभी कभी ये भी बता रहे कि UP भी हम लोग घर है, और ये लोग टेंट वगैरह लगा के घूमते फिरते चलते। सामने मेला भी आ रहा है और इस तरह का घटना बढ़ जाता है, तो क्या तैयारी रहेगी उस बारे में? हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं, और इससे पहले ये महिला या इससे पहले जो भी महिला पकड़ाई है वहाँ सब लोग का फोटो हम लोग चारों तरफ चिपकाएंगे, और इसके बाद लेडी कॉन्स्टेबल को हम लोग भीड़ के अंदर रखेंगे, ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। थैंक यू।